हेलो जी, नमस्ते, राम राम, गुड मॉर्निंग। और सभी के सभी भाई अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सभी व्यस्त हैं, बच्चे नहाने में लगे हैं। और मैं इधर सब्जी काटने के लिए बैठ गई थी। बनाएंगे प्याज और भिंडी की सब्जी, और दोनों प्याज भी घर के हैं और भिंडी भी घर की है, घर पे ही लगी हुई है। प्याज भी घर पे लगे हुए थे। और ये देखिए भाई, आजकल ना गांव में भी इस चीज़ के लिए जगह नहीं है। तो ये देखिए कैसे, मतलब तसल्या होता है ना जो उसमें बना रखा है चूल्हा। और ये चूल्हा उस दिन जब हम आए थे ना, उससे अगले दिन यूज़ किया था। मतलब कढ़ी बनाई थी इस पे, हमने कहा था कि हम चूल्हे पे जो कढ़ी बनती है वो वाली खाएंगे, तो इस पे कढ़ी बनाई थी। और चूल्हे पे जो कढ़ी बनाते हैं ना, वो बहुत टेस्टी बनती है। तो फिर ये बच्चे मुझे देख रहे थे कि ये बुआ क्या कर रही है, कि बुआ के पास ये करना आता है काम या नहीं, चूल्हे की लिपाई, है ना, लिपाई नहीं पोताई, चूल्हे की पोताई। तो ये बच्चे बड़े ध्यान से देख रही थी, मैं इनको कह रही थी इधर आ जाओ छाया में, उस साइड धूप है। तो ये आके मेरे पास बैठ गए थे। और ये मतलब उस दिन का रखा था, ये संडे वाले दिन का, तो मैंने सोचा चलो इसकी पोताई कर देते हैं। तो ये देखे सारे के सारे बच्चे बैठ के देख रहे थे कि क्या कर रहे हो। और मतलब भाई गांव में तो चूल्हा जरूरी होना चाहिए, है ना। तो कल बनाएंगे एक दूसरा प्यारा सा चूल्हा बनाएंगे। आजकल गांव में भी ये चीज़ बहुत कम हो गई है, देखने के लिए नहीं मिलती। तो कल बनाएंगे हम एक नया चूल्हा, अच्छा सा प्यारा सा, तो मम्मी की हेल्प से बनाएंगे। मुझे तो खैर आता नहीं, पर मम्मी से पूछ पूछ के बनाएंगे कल के व्लॉग में। तो कल का व्लॉग देखना मत भूलना। और ये यशु ना बहुत शरारते करता है, तो मैं इसको बोल रही थी इसको पकड़ो और इसके मुंह पे भी पोताई करते हैं। तो ये देखिए शरारती है ये, बहुत सबसे छोटा है और सबसे ज़्यादा शरारते करता है। और पीछे ये जो पेड़ है, ये है अमरूद का। तो एक बच्चा इनमें ये देखिए यतीन लगा हुआ है झूला डालने के लिए। इसको पतली सी ना रस्सी मिल गई थी और कहता कि मैं वो झूला बना देता हूँ। तो मैं कह रही थी शांति इसको पकड़ के ना यहाँ लेके आ। और ये ना डरता नहीं है, देखियो खुद ही आ गया था कि मेरे फेस पे भी लगा दो। और ये देखिए मैं इसको बोल रही थी कि ये ना पतली सी रस्सी है, कभी टूट जाए और सिर ना पीछे लग जाए, चोट लगने का डर रहता है ऐसे, पर बच्चे मानते नहीं। ये देखिए फिर ये भी आ गया था। तो बच्चों को रोकना मुश्किल हो जाता है जब ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना। तो इसको बोल रही थी कि चल यहाँ से, अकेला चोट मत खा लियो। और कल बनाएंगे चूल्हा, तो कल की वीडियो देखना मत भूलना। अभी तो हमें ये नहीं पता चल रहा है कि चूल्हा बनाए कहाँ, किस साइड बनाए, कहाँ बनाए। तो बच्चे आ गए थे और ये खेल रहे थे, तो फिर मैं भी इनके पास खड़ी हो गई थी। तो फिर मैं इनको बोल रही थी मैं अभी कुछ आप लोगों के लिए खाने का मंगवाती हूँ, और फिर उससे गेम मैं आप लोगों के साथ और आपको खिलवाऊंगी। यानी कि मैं कुछ मंगवा लेती हूँ और मैं खिलवाऊंगी आप सभी को ये वाली गेम। तो मैंने ईशांत को भेज दिया था दुकान पे। मेरा नाम तो पता ही होगा, बस मैं क्या ही बताऊं। मेरा नाम जसप्रीत। माय नेम मेरा नाम अर्पित। माय नेम इज लविस। माय नेम इज यतीन। माय नेम इज यस। माय नेम इज सक्षम बुड्ढा। और ये देखिए ईशांत लेके आ गया था खाने पीने का सामान बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा चलो बच्चों का खेल भी हो जाएगा और बच्चे कुछ खा भी लेंगे और खुश भी हो जाएंगे। तो ये देखिए, और वाकई में बच्चे ना काफ़ी खुश हो गए थे ये गेम भी खेल के, और चिप्स कुरकुरे भी लेके, है ना। और आज भी ना ये सारे बच्चे मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं कि हमें आज भी गेम खिलवा दो।
लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। जय राम जी की। जय राम। लाइक करो, सब्सक्राइब।